दस मिनट के लिए कभी हैं सफा नंबर कौन सी है ठीक है क्या हम लोग कर लेते हैं मस्क नंबर 11 है सिक्का तुन सिक्का सिक्का माने भरोसा भरोसा करना मजदर है ठीक है किसका वसी का या सीकू भरोसा करना मजदर उसने भरोसा किया डिपेंड करना वाला हो मजदर उन आखरु इसकी एक और मजदर भी है बिल वाव इवाव के साथ पता है आपको क्या है वो सुखुन ठीक है अब एक कायदा बताया जा रहा है अल मिसाल उल वावियु अल मिसाल उल वावी लघु मजदरान मिसाल वावी मिसाल मिसाल क्या चीज है वैसा फेल जिसका पहला नाकिस पहला हर क्या हरफ इल्लत कमजोर हर मुराद हरफ इल्लत ठीक है जैसे कि ये क्या है यहाँ पर देखिए वादा वादा ये कैसा फेल है फेल सही है या मुअत्तल है सही नहीं है फिर मुअत्तल है यानी कि इल्लत है इसमें कमजोरी क्या कमजोरी है कहां कमजोरी है फर्स्ट वाले हर्फ में फा कलिमा है फा कलिमा कैसा है इल्लत है क्या है इसमें वाव है या वाव तो जहां पर कमजोरी अगर पहले कलिमा में है पहला हर्फ में है फा कलिमा में अगर क्या इल्लत है तो फा वो हो जाएगा फेल मिसाल और अगर कमजोरी वाव है इल्लत अगर वाव है तो मिसाल वावी इल्लत अगर या है तो मिसाल याई सेम ऐसे इसके लिए भी होगा अजवा अजवा वावी अजवा याई नाकिस वावी नाकिस याई दवा यदरु नाकिस वावी हदा यहदी नाकिस याई ठीक है यहाँ मिसाल वावी जो फेल है इस तरह का वह आधा याई दो ठीक है उसका दो मस्तर बनता है अहदुहुमा बिल वावी अहदुहुमा उनमें से एक क्या वाव होता है वाव के साथ होता है والآخر بغيرها اور ایک یا واو کے بغیر ہوتا ہے خاتل مصدر مصدرین من الافعال الاتیہ مصدر تھی یہ دونوں مصدر پہلا مثال کیا وصف وصف یصف صفت بیان کرنا کسی کی مصدر کیا اس کا وصف پہلا مصدر کیا ہے وصف دوسرا مصدر کیا ہوگا صفت ٹھیک ہے ये क्या है फेल देखिए वसाफा ठीक है फेल क्या है वसाफा यसीफु ठीक है इसका दो मजदर हो रहा है पहला मजदर क्या है वसफुन दूसरा मजदर क्या है ठीक है सिफातुन ठीक है सिफातुन यानी कि गायब हो गया वाव हजब हो गया ठीक है वहां से ठीक है सिफातुन वस्फुन और सिफातुन वसफा फेल सिफत बयान करना दो मजदर वस्फुन और सिफतुन एक वाव के साथ दूसरा वाव के बगैर वाव हटा करके ठीक है इस तरह का फेल अब आ रहा है वसला यसीलू पहुंचना या जोड़ना ठीक है पहुंचने का नाम वसला पहला मजदर क्या हो वसलुन दूसरा सिलतुन सिलतुन मौसूल पड़े है ना ठीक है सिलतुन जोड़ना सिलतुन भी है वसलुन सिलतुन तीसरा पढ़ेंगे अवजर भाई وعظا يعيدو وعظا يعيدو واز کرنا ایڈوائز دینا نصیحت کرنا ٹھیک ہے وعظا يعيدو پہلا مصدر کیا ہوگا
वाजुन दूसरा मजदर वाव हटा के अईदातुन समझ में आ रहा है तो क्या पैटर्न बन रहा है अईदातुन अईलातुन फाला पैटर्न पकड़ने क्या हो रहा है अईलातुन का वजन बन रहा है ठीक है वादा यईदु वाजुन और अईदातुन अगर भाई पढ़िए वादा यईदु वादा करना मजदर क्या है इसका वादुन अईदातुन इसके बाद बताओ भाई वहाबा यहिबु देना वहाबु ना दूसरा हिबा 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 मेरा जरबा नहीं कनी सेवा तो वहाबा यहिबु वहाबुन वहाब माने देना और हिबा तो हिबा कर देना ठीक है बड़ा कोई ग्रैंड चीज देना इस माने में ठीक है इनामात के तौर पे इस तरह वहाबुन हिबा तो ठीक है हिबा तो होगी इसके बाद सुनो भाई क्या है वसामा वस्मुन सीमातुन वस्मुन सीमातुन ठीक है सीमा इस तरह का माने में किसी को ऊंचा करना इस तरह का माने वस किसम वसमा या सीमा हो गया अने अच्छा होना बहुत अच्छा होना या इज्जत वाला होना इस तरह का माने वसीम लफ्ज है ना वसीम वसामा यसीम वस्मुन और सीमातुन उसके बाद अब्दुल वाजिद भाई और बाकी देखा कमी तो नहीं निकलता कुछ भाव हुजरातुन जो लफ्ज है हुजरातुन उस जमा होता है औला हुजरात हुजरातुन का जमा क्या है हुजरातुन बिदमिल जीम जीम में क्या होगा दम्मा होगा माने वाहिद क्या है हुजरा जीम पर क्या है सुकून लेकिन जमा में क्या हो जा रहा है हुजू दम्मा हो जा रहा है हुजरातुन ठीक है इजमाइल अस्माल आतियता अब नीचे वाले आने वाले सिम को क्या कीजिए वैसे ही जमा बने हाजल जम गुरफतुन गुरफतुन कमरा उसके बाद शुरफतुन शुरफतुन मतलब क्या है शुरफा का शुरफतुन शरीफ हाँ चलिए इसके मुनिदारी मतलब क्या होगा शरीफ माने इज्जत वाला शर्फ वाला ठीक है शुरफतुन शुरुफा शुरुफा तुम ठीक है बालकनी 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 छत मैंने आपको याद नहीं अगर बालकनी में जाएगा खड़ा होकर आदमी सब को देखेगा नीचे है सब थोड़ा महसूस होगा शर्म इज्जत मतलब कहाँ कहाँ से कम सारा इमेजिनेशन है अरब वालों का इसलिए मकान के जो हिस्सा मोना सुधा है मकान का मतलब मकान के जो हिस्सा आ रहा है हाँ जरूरी है सब हो लेकिन ऐसे ही पैटर्न पे आ रहा तो आ रहा है कमरा कमरा खिड़की कमरा होगा ठीक है खिड़की नहीं है दरवाजा नहीं है क्या दरवाजा मुजक्कर है दरवाजा है खुतवातुन कदम फुटस्टेप खुतवातुन ठीक है उसके बाद नीचे वाला तेरा नंबर कायदा हम किए थे क्या ये अऊजु बिल्लाहि मिन अकूना मिनल काज़िबीन अऊजु बिल्लाहि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं इस बात से कि अन रखूना कि मैं हो जाऊं मिनल काज़िबीन ठीक है असलु क्या औजु बिल्लाहि मिन अन अकूना ठीक है मिन अन अकूना बता चुके हम जब फेल आएगा औजु आदा यऊजु जिससे पना चाह रहे हैं आप वो मिन के बाद आएगा जिसकी पना चाह रहे हैं यानी कि अल्लाह की आप पना चाह रहे हैं तो वो बी के बाद आएगा हर जगह तो औजु बिल्लाहि मैं अल्लाह की पना चाहता हूं मिन किससे अन अकूना मिनल काज़िबीन तो यहाँ पर है कि मिन क्या है छुपा हुआ है मतलब मस्दर मुअव्वल के पहले हर्फ जर हो तो उसको हज़फ करना जायज है ठीक है फिर दोहरा रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ है अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल काज़िबीन मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस किस बात से मिन अन अकूना मिनल काज़िबीन कि मैं हो जाऊँ झूठों में से यहाँ पर मिन असल में है लेकिन मिन को हज़फ ड्रॉप कर दिया गया उसका असर देखिए
असल बता दिया कि औऊजु बिललाहि मिन अन अकूना मिनल काज़िबीन, ठीक है। कमा तकूलु, जैसा आप कहते हैं क्या, औऊजु बिललाहि मिनल काज़िबीन, मसदर हो गया, मसदर मोहर हट के मसदर आ गया, औऊजु बिललाहि मिनल काज़िबीन, ठीक है। यजूजु हज़्फ़ु हर्फ़ि क़ब्ल अल मसदर अल मुअव्वली, यजूजु जायज़ है हज़्फ़ करना हर्फ़े जर का, चाहे मीन हो चाहे बा हो, इसके पहले मसदर मुअव्वल के पहले। तकूलु अमराना, अमराना अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें, अमरा हुक्म दिया ना हमें अल्लाह, अल्लाह ने क्या, बी अन नुसल्ली, बी कि हम क्या करें, अन नुसल्ली कि हम लोग नमाज पढ़े। आओ एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्या, अमराना अल्लाह अन नुसल्ली। अच्छा, जब फेल आता है ना अमरा, उसने हुक्म दिया तो हमेशा उसके बाद में बी आता है हर्फ में, किस बात का हुक्म, ठीक है। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया किस बात का, देखिए कुरान में हर्फ जर बी आएगा, बी के बाद क्या होगा, हर्फ ये जिस बात का हुक्म दिया जा रहा हो, ठीक है। तो बी के, बी अन मुसल्ली भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट अन मुसल्ली भी आप लिख सकते हैं। इसका मिसाल हम दिए थे आपको शिर्क से बचने वाली दुआ जो बताई थी पिछले क्लास में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन नुशरिका, मसलन मीन छुपा हुआ वहाँ पर, मीन अन नुशरिका कि मैं शिर्क किया हूँ, शिर्क करें, ठीक है। 14 नंबर क्या है, बदल, बदल के अकसाम, ठीक है, टाइम नहीं है पढ़ने का अभी, बदल के अकसाम, ठीक है। कितना चीज छूट गया, 1, 2, 3 पेज छूट गया है, और लो पढ़े इसका मतलब, बदल के अकसाम है इसमें। और उसके बाद में पढ़ाइए क्या है, अल अहरूफुल मुशब्बहतु बिल फ़िअल, इन्ना और उसकी बहने, ठीक है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लेता रहा अल्लाह, ठीक है। उसका पूरा जो है कायदा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुरान की आयत देखा यहाँ पर बहुत सारा, वक्त नहीं है जी, हम लोग लग जाएगा एक आधा घंटा करने में, चलो ठीक है। कुरबानी के दिन अगर क्लास कीजिएगा तो सैटरडे या संडे अंडाल में क्लास कर लीजिए, क्लास कर लीजिए।